हाय फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको एडोबी पेज मेकर के अंदर ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन बताऊंगा। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर ज़्यादातर जो डिज़ाइंस रहते हैं, छोटे छोटे जो एड्स रहते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट, बैकग्राउंड ब्लैक रहता है और टेक्स्ट मतलब यानी कि जो लिखा हुआ या जो लिखा हुआ उसके अंदर रहता है वो वाइट होता है। तो इस तरह के डिज़ाइन हम कैसे एडोबी पेज मेकर के अंदर डिज़ाइन करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट में जाएं, स्टार्ट में क्लिक करेंगे, प्रोग्राम्स, एडोबी, एडोबी पेज मेकर खोलेंगे। ये मेरा एडोबी पेज मेकर प्रोग्राम खुल गया। ये टेम्पलेट्स ऐसे क्लोज कर दें। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पेज लेना है। तो पेज लेने के लिए क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू। न्यू में जाने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू आप अपने अनुसार यहाँ से पेज चूज़ करें, A4 साइज या लेटर साइज, ओके क्लिक कर दें। ये मेरा पेज खुल गया। तो अब इसे क्या करना है, इस पेज को लार्ज एक्चुअल साइज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को पेज के मिडल में रखेंगे और माउस का राइट क्लिक करेंगे। तो देखेंगे ड्रॉप डाउन पॉपअप मेनू निकल आएगा, वहाँ पे जाके एक्चुअल साइज पे क्लिक करेंगे। ये मेरा पेज एक्चुअल साइज हो गया। अब इसे हैंड टूल के माध्यम से इसे अच्छी तरह सजा लेंगे, मिडल पोर्शन में अपने पेज को रख लेंगे अपने काम के अनुसार। चलिए अब हम ब्लैक बैकग्राउंड और टेक्स्ट वाइट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये पिक टूल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ फिर हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक, जैसे ये वाइट हो जाएगा तो समझ लीजिए कि एक्टिवेट हो गया है। क्लिक करने के बाद अपने पेज में एक ड्रैग करेंगे, ये मेरा रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया। आने के बाद ये सिलेक्ट, अब ये ब्लॉक आपको दिख रहा होगा, ये यानी कि ये सिलेक्टेड है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जाके एक कलर बॉक्स, ये कलर पैलेट बॉक्स के अंदर जाके ये ब्लैक पे क्लिक करते के साथ ये मेरा बॉक्स ब्लैक हो गया। फिर जब बॉक्स का काम हो गया तो हम पिक टूल पे क्लिक करेंगे और बॉक्स को ऊपर साइड में रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट टाइप करना है। तो ये टी, ये इसे बोलते हैं टेक्स्ट टूल, जिसे हम टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ये वाइट हो गया तो इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया है। करने के बाद एक ये एरिया एक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद इसे माउस पॉइंटर को पीछे रख कर सेलेक्ट करेंगे और ये कंट्रोल पैड्स के अंदर जाएंगे और साइज को ज़रा इंक्रीज कर लेंगे 30। और भी अगर बढ़ाना हो तो ज़्यादा बड़ा हो गया 36। ये मेरा, अगर इसे बोल्ड करना है तो फिर अगेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ये बी जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, लिखा हुआ बोल्ड हो गया। ये मैंने लिख दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ लिख दिया। अब इसे क्या करना है, ये ब्लैक के ऊपर अगर ब्लैक रखेंगे तो दिखाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लिखावट है, ये जो टेक्स्ट है, इसको हमें वाइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसे माउस पॉइंटर टेक्स्ट को क्लिक करके माउस पॉइंटर पीछे रखेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कलर पैलेट के अंदर कहीं भी वाइट लिखा हुआ कोई कलर नहीं मिलेगा, ब्लू केन ग्रीन सब मिलेगा, लेकिन वाइट के लिए यहाँ पे वाइट नहीं होता है, यहाँ पे पेपर। वाइट का मतलब ये जो कलर होता है पेपर लिखा है, इसका मतलब वाइट है। पहले इसको सिलेक्ट कर लिया हमने और ये पेपर पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करते के साथ ये ब्लैक हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, पिक टूल पे क्लिक करेंगे, कहाँ करेंगे, पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जहाँ पे हमने लिखा था वो वाइट हो गया। क्यों,
क्योंकि लिखावट भी वाइट है और बैकग्राउंड ये जो पेज है ये भी वाइट है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस जगह पे हमने टाइप लिखा था उस जगह पे क्लिक करेंगे, तो ये लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है। इस यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके इसको इस जगह पे ले जाएंगे, ले जाने के साथ इसे सजा लेंगे। सजाने के बाद एलिमेंट में जाएंगे, अरेंज, अरेंज में जाने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट ये कर देंगे, तो क्या होगा कि जो मेरा, अगर सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है अगर ब्रिंग टू फ्रंट नहीं करते हैं तो जब इसको ग्रुप करेंगे तो ये वाइट लिखा हुआ टेक्स्ट दिखता नहीं है, तो इसलिए बेस्ट यही होगा कि आप इसे अरेंज एलिमेंट में जाके, अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लें, उसके बाद इसे सिलेक्ट कर देंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ऐसे ट्रैक करके इसे सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाएँ, एलिमेंट में जाने के बाद इसे ग्रुप ग्रुप कर देंगे। इस तरह हमने ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट वाइट और बैकग्राउंड ब्लैक हमने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया। फिर मैं दिखाता हूँ कि स्टार नुमा डिज़ाइन, स्टार स्टार के अंदर अगर कोई डिज़ाइन लिखना है, कुछ लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो टूल है इसे बोलते हैं पॉलीगन टूल, इस पे जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरह का बॉक्स आएगा, तो इस तरह बॉक्स ये स्टार नहीं है, पॉलीगन टूल, पॉलीगन शेप है, तो इसे क्या करेंगे, इसे डिलीट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी पे डबल क्लिक, माउस का दो बार क्लिक करेंगे तो ये पॉलीगन सेटिंग का बॉक्स आ जाएगा। यहाँ आपको दिखाई देगा नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 6 1 2 3 4 5 6, इसे हम चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार इंसर्ट लिखा हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक स्टार नुमा शेप बनता चला जाएगा। नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करना चाहेंगे, इंक्रीज करेंगे, फिर ओके, इस तरह हम इसे ट्रैक कर देंगे, ये मेरा स्टार बन गया। एक ये तरीका है, फिर एक और तरीका दिखाता हूँ। पहले इस पॉलीगन टूल पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ से नहीं होता है तो एलिमेंट में जाएं, एलिमेंट में जाने के बाद पॉलीगन सेटिंग पे क्लिक कर देंगे, सेम टेक्निक है, खुल गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर देंगे, ओके करने के बाद एक प्लस का साइन आएगा, पकड़ के आप इसे ट्रैक कर दें, इस तरह का शेप, स्टार नुमा शेप बन गया। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है ये लाइनिंग है बहुत पतला है, इसे जरा ठीक करना है, मैंने मोटा करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट रहने देंगे, उसके बाद एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ स्ट्रोक, लाइन को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक में जाने के बाद इसे ज़रा ठीक यहाँ पे 6 पॉइंट डाल देंगे, 6 पॉइंट ज़्यादा हो गया तो ज़रा कम कर देंगे, 4 पॉइंट फिर भी ज़्यादा हो गया, तो इसे क्या करें, स्ट्रोक में जाएंगे, 2 पॉइंट ये ठीक है। करने के बाद अगर इसे सेलेक्ट करना है तो इस लाइन पे क्लिक करें, सेलेक्ट हो जाएगा, ये बॉक्स बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर आता है तो इसका मतलब ये सिलेक्टेड है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे कलर करना है, तो इसे क्या करेंगे, सिलेक्ट रहते हुए में ये कलर पैलेट्स के अंदर जाकर ब्लैक ब्लैक पे क्लिक करेंगे, ये मेरा स्टार बन के तैयार हो गया। फिर मैं दिखाता हूँ अगेन कैसे करना है, ये पॉलीगन टूल पे जाएं, क्लिक करें, वाइट हो जाएगा तो सिलेक्टेड है, एलिमेंट में जाएं, पॉलीगन सेटिंग या नंबर ऑफ साइड्स स्टार लाने के लिए यहाँ स्टार इंसर्ट करना है, स्टार इंसर्ट हो जाएगा, ओके, ये हमने ड्रैग कर दिया, ये स्टार बन गया। ये लाइन अगर आपको मोटा करना है तो एलिमेंट में जाएं, स्ट्रोक, स्ट्रोक के अंदर यहाँ पे ये लाइन फैट हो गया, मोटा हो जाएगा, थिकनेस आ जाएगा, ये मेरा स्टार तैयार हो गया। अगर इसे और अगर लाइन पे क्लिक करके अगर इसे चौड़ा करना है तो आप अपने हिसाब से इसे बड़ा छोटा डिज़ाइन के अनुसार इस तरह बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे ब्लैक करना है क्योंकि हमें बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए, क्लिक कर दिया हमने, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अब क्या करना है, हमें लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट, ये पहले ही मैंने बताया था, इसे बोलते हैं टेक्स्ट टूल, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ एक एरिया सेलेक्ट करेंगे, हमें लिखना है,
लिख दिया मैंने। लिखने के बाद से साइज जरा इंक्रीज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से साइज हम इसे इंक्रीज कर देते हैं, ये बन गया। फिर अगेन सेलेक्ट करते हैं, 24:30 कर दिया मैंने। ये जो लिखावट है, अगर इसे मोटा करना है तो बोल्ड करना है तो सेलेक्ट करेंगे, बी पे क्लिक कर देंगे, ये लिखावट बोल्ड हो गया। अब इसे क्या करना है, इसे सेलेक्ट करके हमें से क्या करना है, इसे सेलेक्ट करके हमें से ब्लैक करना है, वाइट करना है सॉरी। तो टेक्स्ट इस पर क्लिक करें, इसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कलर पैलेट्स में जाएं, यहाँ पेपर है, पेपर मीन्स ये वाइट हो जाएगा, अभी ब्लैक है, ये पिक टूल पे क्लिक करते के साथ ये वाइट हो गया। यहाँ वाइट के ऊपर वाइट दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ क्लिक करेंगे, ये क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग करके इसके ऊपर रख देंगे, ये ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन, बैकग्राउंड ब्लैक और ये जो लिखावट है ये वाइट, ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन में तैयार हो गया। अब इसे क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे, इस जगह पे रख के दोनों को सेलेक्ट करेंगे, तो एक ये पॉइंट आ गया, इसका मतलब स्टार सेलेक्टेड है, और एक लाइन है, ये पैरेलल लाइन आएगा लिखावट के लिए, तो समझ लीजिए दोनों सेलेक्टेड है। सेलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में जाएंगे, इसे ग्रुप कर देंगे, ये मेरा ब्लैक एंड वाइट, बैकग्राउंड ब्लैक और लिखावट वाइट। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसी तरह आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखते जाएं, और मैं और नए नए कमांड्स और नए नए डिज़ाइंस आपके लिए बनाता रहूँगा। तो अपना जब मैंने डिज़ाइन बना लिया तो बाहर कैसे आएंगे, फाइल के अंदर जाके एग्जिट, यहाँ से भी बाहर आ सकते हैं, या ये यहाँ क्लिक करेंगे, पूछेगा सेव करना है, अगर सेव करना है तो यस, अगर नहीं तो नो, इस तरह बाहर आ गए।